हेलो दोस्तों, ये मेरी जन्माष्टमी की पेंटिंग है पिछले साल की, जो मैं अब कलर कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इसको स्केच कलर में ही रहने दूँगी, स्केचिंग में ही रहने दूँगी, पर सोचा तो देखा कि अब मेरी ड्राइंग स्किल थोड़ी और सुधर गई है, तो मैं इसे थोड़ी और अच्छी बना सकती हूँ। तो देखिए, मैंने जहाँ जहाँ ड्राइंग पेंसिल करी थी वहाँ वहाँ मैंने डार्क ब्लैक कलर से आउटलाइन करना शुरू कर दी है। और देखिए, कृष्ण भगवान का फेस कितना सुंदर लगने लगा है, एकदम निखार आ गया है, वो उठाव आ गया है ड्राइंग में। देखिए, मैं उनका हाथ बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं नई पेंटिंग बनाऊं, फिर मुझे लगा कि इसको मुझे कंप्लीट करना चाहिए, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसको मैं एक नया लुक भी दे दूंगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर था कि मैं मेरी पुरानी ड्राइंग को कलर करूं। क्या आपके पास भी कोई अपनी पुरानी ड्राइंग है? आप उसे भी इसी तरह अच्छे से कलर करके उसमें उठाव दे सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे पेंटिंग पूरी होने जा रही है और आप इसका आनंद लें, आप भी साथ साथ में बनाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कृष्ण भगवान है जो मटके में से माखन चुरा रहे हैं। अब मैं मोर पंख बना रही हूँ। सच कहूँ तो मैं पहली बार इतना अच्छा मोर पंख बनाया मुझसे, इससे पहले मुझसे कभी ठीक से मोर पंख नहीं बना। कृष्ण भगवान की कृपा है कि पहली पेंटिंग स्केच को मैं कलर करती हूँ और वो उनका है। बहुत ही शानदार। क्या आपके पास भी कोई पुरानी पेंटिंग है? मुझे कमेंट में लिख दीजिए। जरूर शेयर करूंगी। अब गणेश उत्सव आ रहा है, उस पर आपका क्या प्रोग्राम है मुझे जरूर से कमेंट में बताइए। गणेश उत्सव पे हम क्या क्या करते हैं आपको पता है? हमारे यहाँ तो बड़े गणपति जी की स्थापना होती है, गणपति विराजमान होते हैं, रोज नए नए प्रकार के लड्डू बनते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव गया है। ये एक्चुअली मुझे जन्मोत्सव के दिन ही मुझे अपलोड करना था, पर अब मुझे कुछ कारणों से देरी हो गई। मेरे घर में कलर का काम चल रहा है, मेरे रूम में ही चल रहा है, मैं उसकी तैयारी में और उस कलर करने में बिजी थी, इसलिए मैं आपको आपसे शेयर ना कर पाया उस समय। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस पर कमेंट जरूर करें और मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेट करें। देखिए, अब मैं मुरली बना रही हूँ कृष्ण भगवान की, जो जमीन पर पड़ी है। ये बन गई मुरली। अब देखिए, मैं माला में अलग से मोती बना रही हूँ, फूल बना रही हूँ, इससे बहुत ही सुंदर लगे।
कर दिया, उसके बाद अगर मैं गीले ब्रश से इसके ऊपर ब्रश करूँगी तो ये वाटर कलर में चेंज हो जाएगा। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये है डॉम्स का ब्रश मार्कर, जिससे मैं इसके कृष्ण भगवान के ऑर्नामेंट्स को कलर करती हूँ। ये भी डॉम्स का ही ब्रश में है, डार्क येलो कलर। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो ये पेंटिंग बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में लिख दीजिए। पहले मैं इसमें रेड कलर करने वाली थी, तो मुझे लगा माला और उसकी धोती दोनों एक कलर क्यों नहीं, इसलिए मैंने इसमें अलग कलर किया। जय श्री कृष्ण।